उसके कंपैरिजन में आपको ये लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, आपका अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने यूज किए हो उसको, तो वो मॉस्फेट चलेगा। थर्टी ए वन थ्री टू, थर्टी एस टू और 63K2, ये तीनों मॉस्फेट ऑलमोस्ट सेम है। थर्टी ए वन थ्री टू और 30S2A दोनों का करंट रेटिंग सेम है, दोनों के करंट रेटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। 63K2 जो है वो रेनिसेंस का है, और 30F132 और 30S2A ये तो शिवा का है। GT30J127 और 24 वो कंपनी भी शिवा की है वो जो है। अब काफी लोगों का फोन आता है, सर 30F132 लगाया है, 63K2 लगा दिया, सर बहुत बढ़िया काम किया। एक्चुअल में क्या होता है, हम एक दूसरे में मॉस्फेट यूज करते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि एक लिमिट तक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जो मॉस्फेट चेंज करते हैं, सपोज 8 एम्पियर का मॉस्फेट वहां लगा हुआ है, कुछ लोग वहां 15 एम्पियर का यूज कर देते हैं, उस कंडीशन में जब वो बोर्ड डैमेज होगा ना, उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। 8 एम्पियर का मॉस्फेट यूज कीजिए, क्योंकि जो कंपनी ने डिजाइन किया है वहां पर 6-6.5 एम्पियर से ऊपर करंट आता ही नहीं, इसके लिए कंपनी ने 8 एम्पियर का यूज किया। आपने 12 एम्पियर 15 एम्पियर जैसे 15 एंड 16 18 एंड 20 20A 600 आप वो डाल देते हैं, और मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ, आप लोग तो करते ही करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ कई बार, उस टाइम पे अगर मेरे पास स्टॉक में नहीं रहा तो। लेकिन ये प्रैक्टिस गलत है, कंपनी ने जो डिजाइन तैयार किया है। बहुत बार क्या होता है, हमारा मॉस्फेट उड़ने का भी रीजन वही होता है, हमारा वो मॉस्फेट नहीं उड़ रहा, उसके बाद में दूसरा मॉस्फेट उड़ना चालू हो गया। कोई भी मॉस्फेट हो, आप कहीं से भी लो, लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पार्ट सेलर हैं वो सब नॉन टेक्निकल आदमी है। अगर किसी टेक्निकल आदमी से अगर आप पार्ट्स खरीदेंगे तो डेफिनेटली वो पार्ट्स वो आदमी यूज करता होगा, तो ही आपको बेचेगा। प्लाज्मा के केस में क्या होता है, 90% मॉस्फेट डुप्लीकेट होते हैं, फर्स्ट टाइम बुढ़ा बच जाएगा, सेकेंड टाइम बुढ़ा बच जाएगा, थर्ड टाइम बुढ़ा है कोई उसका माई बाप नहीं करता, क्योंकि आपने जो बार बार डुप्लीकेट मॉस्फेट यूज किया, जब कलेक्टर का वोल्टेज बेस पे रिवर्स आएगा तो बेस में इतनी ताकत नहीं होती कि जो रिवर्स वोल्टेज को इतना झेल सके। ओरिजिनल मॉस्फेट का जो डिजाइन होता है या उसका बेस बायसिंग सर्किट जो भी डिजाइन होता है, वो उसका प्रोटेक्शन, कहीं पर डायोड है, कहीं लोम्स की रेजिस्टेंस है, मैंने अक्सर देखा है 15 ohms 4.7 ohms 47 ohms सीधा जम्पर में सेट चालू, आधा घंटे के बाद वापस कर। हमने क्या किया, हमने जो 20 ohms या 15 ohms की जो रेजिस्टेंस लगी थी हमने जम्पर मार दिया। एक्चुअल में क्या होता है, वो एक जो एक सिंपल डायोड आता है, डायोड 4007 4x48 BA159 सब लोग यूज करते हैं, किसी ने टेस्ट किया है कि उस डायोड के अक्रॉस कितने वोल्ट का ड्रॉपिंग आता है? कितने वोल्ट का डिफरेंस आता है? हमारा जब एक ट्रांजिस्टर बना 10, 15, 18, 15 वो कैसे पैदा हुआ? वो डायोड से ही पैदा हुआ, डायोड बना, जिनर बना, डायग बना, टाइग बना, एससीआर बना। आज हम, मेरे ख्याल से अगर मैं सोचूं तो हम बहुत
जैसे बोलते हैं ना 21वीं सदी में हम लोग खेल रहे हैं, तो ये जो मॉस्पिट है और एक आईजीबीटी आता है, कितने लोगों को ऐसा मालूम है कि मैं 5 आईजीबीटी के नाम गिना सकता हूं नंबर यहां बैठे हुए? ऐसा कोई है जो 5 आईजीबीटी के नंबर मुझे बता दे? सुमेंद्र भाई, अच्छा 5 मॉस्पिट के नंबर बता दीजिए। अभी तो मैंने इतने सारे नंबर आपको गिनाए थे। मॉस्फेट और आईजीबीटी में क्या डिफरेंस है? यहां बैठे हुए ऑलमोस्ट सभी लोग प्लाज्मा बनाते हैं, बनाते हैं बराबर। ये मैं सवाल इसके लिए पूछ रहा हूं कि मेरा फोन में थोड़ा सिर दर्द कम हो जाएगा, आपको ये पता लगे कि मॉस्फेट क्या होता है और आईजीबीटी क्या होता है। MGD4536 सब लोग वाकिफ है उस नंबर से, सब जानते हैं MGD4536, इसका कोई तोड़ नहीं है, यही चाहिए हमें। उसका इक्विवेलेंट RGB 30H1 रेजिस्टेंस का आता है और MGD4536 तो उसी वाला आता है। करंट रीडिंग सेम, सब कुछ सेम, फिर भी तोशिबा से ज्यादा लाइट 30H1 की आती है। ये जो टॉपिक है ना IGBT MOSFET, अगर ये हमें समझ में आ गया तो 50% प्लाज्मा हमारा वैसे ही बन जाता है। IGBT का मतलब होता है आइसोलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आप किसी भी तरीके से रीडिंग ले लो, वो ओपन ही दिखाता है। काफी सारे लोग इस चक्कर में बार बार चेंज करते हैं। अच्छा, आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, स्टैम्प लग जाती है, लेजर प्रिंटिंग कर देते हैं, वो होता मॉस्फेट है, कलेक्टर टू इमिटर आपको डायोड दिखाता है। नंबर आपका IGBT का होता है लेकिन एक्चुअल में वो मॉस्फेट होता है। डिपेंड करता है आपने उसको कहाँ लगाया, कई बार तो ऑपरेट ही नहीं होता, कई बार वो इतना फायर कर देता है कि जो कलेक्टर का वोल्टेज है वो सीधा इमीटर से बाहर। उसकी वजह से भी हमारा प्लाज्मा नहीं बनता। क्लियर? अभी मैं वापस पूछता हूं, IGBT के 5 नंबर कैसा है? मुझे समझ में आ जाएगा ना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे सिर्फ IGBT के 5 नंबर या MOSFET के 5 नंबर, देखो किसी तरीके से हंसते हुए सीरियस पहुंच जाएंगे हम लोग, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर चालू रहना चाहिए। आप जवाब दोगे ना तो मेरा इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, नहीं तो आप बोर्ड भेजोगे तो मैं तो बना के देने ही वाला हूं। अच्छा, 5 की जगह 3 बता दीजिए। चलो खड़े होकर बताइए,
आरजेबी 63K2, ये आईजीबीटी है, मॉस्पेट है, आईजीबीटी है। ओके नेक्स्ट, सेवन एन 65 एंड 550 मॉस्पेट है, तो एक एक और रह गया आईजीबीटी, ठीक है 30S2। ये तीनों ही आईजीबीटी है। सर मॉस्पेट का जो फ्रीक्वेंसी है उसका एक लिमिट है, सपोज मॉस्पेट का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो है 1 MHz है, आईजीबीटी का जो है वो ×10 ऐसे समझ लीजिए। पहले क्या होता था, आपको इस समझाने के लिए मैं एक टॉपिक लेता हूँ। पहले अगर हमें स्टेप डाउन या स्टेप अप करना होता था तो ट्रांसफॉर्मर यूज होता था, उसके बाद में ट्रांजिस्टर आया, फिर SCR से फायर करने लगे उसको, जबकि SCR का काम था गेट पे 1 time पल्स दे दीजिए वो लाइफ टाइम ऑन रहेगा जब तक उसको नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा। SCR के बाद में फिर MOSFET चालू हुआ, MOSFET के बाद में IGBT आया। तो ये जो भी जेनरेशन आगे आगे बढ़ता रहा ये सिर्फ सर्किट को कॉम्पैक्ट करने के लिए और करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए, उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सपोज हम जो टीवी में 110 की पावर सप्लाई लगाते थे, दैट इज अराउंड 10.8 kHz और समथिंग, फिर LCD में पावर आया 22 kHz हो गया, फिर LED में पावर आया 35-40 kHz हो गया। हम ये कभी नहीं सोचते कि पावर सप्लाई छोटी होती जा रही है, पावर सप्लाई छोटी होती जा रही है इसका मतलब उसकी ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ा के, जैसे मैंने वहाँ बात किया था, रेक्टिफाई किया और स्टेप डाउन कर लिया या स्टेप अप कर लिया। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये सर्किट तो इतना बड़ा था पुराना, इसको इतने से मैं कैसे आ गया। उसका रीजन ये है कि हम हाई करंट, हाई पावर, हाई एफिशिएंसी IC MOSFET IGBT यूज करते हैं तो वो सर्किट हमारा कॉम्पैक्ट होता चला जाता है। अभी जैसे इन्वर्टर सर्किट है, करंट वेरी करने के लिए, वोल्टेज वेरी करने के लिए हम बेस बायसिंग का रेजिस्टेंस वेरी कर देते हैं। इमीटर से ग्राउंड का जो लोम्स का रेजिस्टेंस है, जहाँ पर हम लोग प्लाज्मा वाई बोर्ड में 15 ohms को जंपर मार देते हैं, उसका 0.5 ohms का रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें इन्वर्टर सर्किट में समझ में आता है कि 0.5 में अगर हमने जंपर मार दिया तो हमारा MOSFET क्या पूरा का पूरा ले जाएगा। लेकिन कोई भी ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है। ये सारी छोटी छोटी बातें अगर ध्यान में रखते हैं तो प्लाज्मा रिपेयर हो जाता है। हम इसका एक फ्लो चार्ट लेंगे, ये कैसे ऑपरेट होगा। मदरबोर्ड हमने बाहर निकाल के रख दिया, मदरबोर्ड बाहर निकालने के बाद में 5 volts बना, ग्राउंड VAVS बना, ये पावर सप्लाई से जेड बोर्ड को चला गया, जेड बोर्ड से 5 volts ग्राउंड VAVS ये वाई बोर्ड को आ गया। जब वाई बोर्ड को आया तो वहां से सस्टेन आउट एक सिग्नल वापस जेड बोर्ड को आया, सेम उसी टाइम पर वाई बोर्ड से 5 volts कंट्रोल बोर्ड को गया और 18 volts गया। कंट्रोल बोर्ड ऑन हुआ, कंट्रोल बोर्ड के अंदर 2-3 डिफरेंट लो वोल्टेज सप्लाई जनरेट हुई, कंट्रोल ऑन हुआ, कंट्रोल ने सस्टेन डाउन, सस्टेन अप, वाई ड्राइव, ये सिग्नल सेलेक्टर, ये सारे इतने सारे जो हैं जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ड्राइव्स जनरेट किए, ये ड्राइव्स जनरेट करके
कुछ ड्राइव वाई बोर्ड में रह गए, कुछ वाई बोर्ड ने आगे पास कर दिए जो हमारे बफर बोर्ड में आ गए। सेम टाइम पर वाई बोर्ड के अंदर एक प्लस 18 वोल्ट सप्लाई जनरेट हुई जो कंट्रोल बोर्ड को गई और उसी से ही जनरेट हुई जो बफर बोर्ड को गई। उसी टाइम पर VCN वोल्टेज हमारा जनरेट हुआ, जिसको माइनस में आने से एक ही सवाल करता हूं, आपका VCN वोल्टेज कितना आ रहा है? VCN वोल्टेज जनरेट हुआ प्लस VPP वोल्टेज, 4520 में VPP वोल्टेज है और दूसरे और मॉडल देखेंगे जैसे PQ30 आ रहे हैं वहां पर VY वोल्टेज है, एक पॉजिटिव वोल्टेज है एक नेगेटिव वोल्टेज है। ये जो बफर होता है ना इसका IC का ग्राउंड अलग होता है, इसके लिए हमें वो नेगेटिव वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, बॉडी ग्राउंड नहीं होता उसको, जो IC का ग्राउंड होता है वो सेपरेट होता है, वो आइसोलेटेड होता है। अगर हम बफर में अगर उसका ग्राउंड रहता तो ये PVP हमारा ऑन ही नहीं होता। जैसे कैमरा होता है उसका CCD है, उसका ग्राउंड अलग होता है क्योंकि उसको नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई जाती है, LCD डिस्प्ले है। ये सब सिग्नल बनने के बाद में कंट्रोल बोर्ड से जो जेड बोर्ड को सिग्नल जाता है वो VZB कंट्रोल, जेड बायस, जेड सस्टेन डाउन, जेड सस्टेन अप और एक कंट्रोल पल्स जाते हैं। जो इतना बड़ा प्लाज्मा था उसको मैं ये शॉर्ट में ले आया यहाँ पर पूरा। ये जो भी फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं 4520 ऑलमोस्ट सब लोगों के हाथ में आया हुआ अभी से, आपको लगता है ये करेक्ट है? जहां पर मैंने वोल्टेज